ये सी लैंग्वेज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा सी लैंग्वेज के बारे में, सी टोकन्स यानी जो भी हमारे कैरेक्टर सेट हैं सी लैंग्वेज के सारे हमने डिस्कस किए, जो 7 टाइप्स के हमारे कैरेक्टर सेट थे। इसके अलावा हमने डेटा टाइप्स भी डिस्कस कर लिया, और मैं बताया था कि डेटा टाइप्स को समझना और जानना काफ़ी ज़रूरी है, तभी हम लोग प्रोग्राम बना पाएंगे। तो आप लोग एक बार फिर से पिछला वीडियो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो देख लीजिएगा, ताकि आपको डेटा टाइप सही तरीके से समझ में आए, उसका कीवर्ड्स क्या होता है, उसका सिंबल्स क्या होता है, किस तरह के वैल्यूज वो स्टोर करते हैं, उन सबको समझना जरूरी था। इसलिए आप फर्स्ट पार्ट आप देख लें, ताकि प्रोग्राम बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा सेकेंड पार्ट में हम लोग प्रोग्राम बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि दो नंबर को हम लोग कैसे ऐड करें। प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर्स, दो इंटीजर को आपस में ऐड करने का एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। उसको कैसे हम लोग रन कराएंगे, कैसे हम लोग उसको रिजल्ट देखेंगे, वो सारा प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रोग्राम बनाने के सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। प्रोग्राम में सबसे पहला काम होता है जो भी हमारे लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनको इंक्लूड करना। ये वाला फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इसका काम होता है कि जो भी हमारे लाइब्रेरी फाइल्स हैं उसको अपने मेरे प्रोग्राम के साथ अटैच करना। और लाइब्रेरी फाइल को इसलिए अटैच करेंगे कि इसमें जो फंक्शन पाए जाते हैं वो सारे का डिफिनेशन इसी में मिलता है। तो लगभग सभी प्रोग्राम में हम लोग प्रिंट एफ और स्कैन एफ जैसे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि लगभग सभी प्रोग्राम में ये फाइल को इंक्लूड करना जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वॉइड मेन। सी कंपाइलर कभी भी कंपाइलेशन जो स्टार्ट करेगा वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करता है। यानी कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें मेन फंक्शन होगा ही होगा, बिना मेन फंक्शन के हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं बनेगा। अब वॉइड इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है वॉइड, मतलब कुछ नहीं, मेन फंक्शन हमारा कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए हम लोग इसमें वॉइड मेन लिखते हैं। ये ओपनिंग होता है, इसमें सेमी कॉलन वगैरह कुछ नहीं होगा। इसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ये बताता है हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा। कोई भी सी का प्रोग्राम होगा तो इसमें, और अगर लाइब्रेरी फाइल को अटैच करना है, जैसे हम लोग अगर नीचे गेट सी एच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच लगा सकते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग का फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो स्ट्रिंग डॉट एच लगा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ stdio.h नाम के लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करके हम लोग मेन प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद पहला काम होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का यही तरीका है कि हम लोग ये सोचेंगे कि प्रोग्राम को बनाने के लिए हमको कौन कौन से वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। जैसे दो नंबर को ऐड करना है तो पहले दो वेरिएबल चाहिए, और जो रिजल्ट रखेंगे उसमें तीसरा वेरिएबल भी चाहिए। दो इंटीजर चाहिए इनपुट के लिए, और एक आउटपुट के लिए हमारा तीसरा वेरिएबल चाहिए। इसलिए हम लोग तीन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट टाइप का ए बी और सी। हमने पहले भी डेटा टाइप में डिस्कस कर चुके हैं इंटीजर किस तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू 32,767 से लेकर के 32,068 तक का वैल्यू स्टोर करता है। तो तीन वेरिएबल हमने ले लिया। इसके बाद अगला स्टेप होता है, क्योंकि प्रोग्राम सिक्वेंशियली रन करता है तो नेक्स्ट स्टेप हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो एक मैसेज प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे यूजर के लिए कि प्रिंट एफ इंटर टू नंबर्स। ये स्क्रीन पे जब मैसेज आएगा तो यूजर क्या करेगा, दो नंबर डालेगा कीबोर्ड के थ्रू। और हमने पहले डिस्कस कर चुके थे पिछले पार्ट में कि स्कैनएफ फंक्शन को हम लोग कीबोर्ड से रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्कैनएफ चूंकि ए और बी का टाइप इंटीजर है तो दो वैल्यू इनपुट लेना, इसलिए %d%d। इंटीजर का सिंबॉल ये है, इसीलिए चूंकि दो वेरिएबल हम इनपुट ले रहे हैं इसलिए दो बार लिखेंगे। अगर एक लेना होता तो एक बार लिखते, तीन लेना होता तो तीन बार %d लिखते। इसके बाद M% A एंड M% B, यानी पहले वैल्यू को एड्रेस ऑफ ए में रख देंगे और दूसरे को एड्रेस ऑफ बी में रख देंगे। ये बताता है एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, मतलब पहला वैल्यू जो इनपुट हुआ वो ए में स्टोर हो गया, दूसरा वैल्यू बी में स्टोर हो गया। इस तरह से अब हमारे पास कीबोर्ड से हम इनपुट ले चुके हैं, अब रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो हम रिजल्ट लिखेंगे C=A+B, रिजल्ट हमारे पास सी में आ गया। अब प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ %d, और सी का वैल्यू। इसमें एड्रेस नहीं देंगे, अगर एड्रेस देते हैं तो ये सी का एड्रेस प्रिंट करेगा, जबकि हमें क्या प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ सी। इसीलिए यहां कॉमा देकर के यहां सी, और इसके बाद मेन हमारा जो ये शुरू हुआ था ये यहां पे क्लोज हो गया।
ये ध्यान में रखना है कि सी का कोई भी स्टेटमेंट, जैसे हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं उसी तरह से यहाँ पे सेमी कॉलन लगता है, हर एक स्टेटमेंट के लास्ट में सेमी कॉलन लगेगा। जैसे मेन है, मेन चूंकि स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रोग्राम का स्टार्टिंग है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसलिए यहाँ नहीं लगा। लेकिन जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे सारे स्टेटमेंट्स के लास्ट में क्या होगा, सेमी कॉलन से क्लोज होगा। जहां नहीं होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वो हम बता देंगे कि यहाँ पे नहीं लगना है। तो इस तरह से हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है सी कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के सी ड्राइव जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है सीडी करके टर्बो C3 के अंदर जाएंगे। जब हमारा सी के अंदर टर्बो C3 हो जाएगा, इसके अंदर TC नाम के फाइल को रन कराएंगे तो हमारा सी का फाइल खुल जाएगा। इसके बाद जब खुल जाएगा उसमें प्रोग्राम टाइप करेंगे और कंपाइल करने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे Ctrl+F9। कंपाइल एंड रन दोनों हो जाता है इसमें, कंपाइल एंड रन। प्रोग्राम को कंपाइल कराना है प्लस रन कराना है। कंपाइल का मतलब होता है कि कोड होगा वो मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो रन कर जाएगा। जैसे ही ये प्रोग्राम रन करेगा यहाँ पे मैसेज आएगा इंटर टू नंबर्स। इसके बाद यूजर जैसे ही इनपुट डालेगा दो नंबर वो A B में स्टोर हो जाएगा, A और B ऐड होकर C में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग C के वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, बस इतना सा ही हमारा प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये तो प्रोग्राम हमारा हो गया, कुछ एक्सरसाइज वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड, एक्सरसाइज 1 में। और इसके अलावा और जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे सारे का एक्सरसाइज लास्ट में लिख जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को उतार करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम हो गया जो जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली हम लोग दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से एरिया निकाल सकते हैं, इसी तरह से जो है एवरेज निकाल सकते हैं, इसी तरह से हम लोग ट्रायंगल का जो है एरिया निकाल सकते हैं, या और भी बहुत सारे तरह का प्रोग्राम, लगभग 10 प्रोग्राम वीडियो के लास्ट में मैंने इससे रिलेटेड दे दिया है, आप उसको पॉज करके आप लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ सी लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आगे फ्यूचर में जो भी लैंग्वेज पढ़ेंगे पाइथन C++ जावा SQL कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे सभी में कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, सब में इसी तरह से काम करता है, सिर्फ थोड़ा सिंटैक्स बदल जाता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या काम है कि प्रोग्राम में जब हम रन कराते हैं तो जनरली सिक्वेंशियली रन कराता है, हम चाहते हैं कोई स्टेटमेंट को छोड़ करके आगे बढ़ जाए या किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके नीचे से हम प्रोग्राम के ऊपर में आ जाए, तो कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स में जो हमारा आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, इसके अलावा दूसरा आ जाता है लूपिंग स्टेटमेंट लूप, तीसरा हो जाता है गो टू स्टेटमेंट, चौथा हो जाता है गो टू कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट। ये 5 तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम लोग सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, अदर लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज हो नहीं तो लगभग ऑलमोस्ट यही होगा। इसीलिए हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज सी लैंग्वेज, क्योंकि इसमें जो हम पढ़ लेंगे वो लगभग सारे लैंग्वेजेस में मिलेगा, अगर यहाँ प्रैक्टिस हो जाए तो वहां पे ज्यादा परेशानी नहीं होगी, थोड़ी बहुत सिंटेक्स का अंतर हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमारा पहला अगर टॉपिक हम लोग अगर देखते हैं तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में हम लोग 2 तरह का स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, इफ और दूसरा स्विच केस। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे आज सेकेंड पार्ट में, हम लोग इफ और स्विच केस का सारा डिटेल देखेंगे कि कैसे इसमें हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट जो होता है, जैसे हम लोग बचपन में भी सुने होंगे कोई बोलता होगा कि ऐसा कीजिए कि आप मार्केट जाइएगा, अगर बारिश होगी तो एक छाता खरीद लीजिएगा, अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो मेरे लिए जो है शर्ट खरीद के ले आइएगा। तो यहाँ इफ और इल्स में वाला कंडीशन है, इफ यानी अगर रेन होगी तो परचेज करना है क्या अम्ब्रेला, लेकिन इल्स अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो परचेज क्या करना होगा परचेज शर्ट। तो इस तरह से कंडीशंस होता है, अगर ये सही होगा तो ये रन करेगा, अगर ये गलत होगा तो ये वाला रन करेगा। इस तरह के स्टेटमेंट्स में डिसीजन लेने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं इफ, इसीलिए इफ को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको कंडीशनल डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं क्योंकि ये कंडीशन के आधार पर डिसीजन लेता है, कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये कंडीशंस को चेक करेगा, अगर वो सही होगा तो रन करेगा, नहीं होगा तो छोड़ के आगे बढ़ेगा। इसमें 3
तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है सिंपल इफ। सिंपल इफ का मतलब होता है एक कंडीशन होगा, उससे रिलेटेड एक बॉडी होगा, सबसे सिंपल केस होगा और वो रन करेगा, अगर गलत होगा तो छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। एक छोटा सा अगर एग्जांपल देखेंगे इसका प्रोग्राम, तो प्रोग्राम टू प्रिंट टू स्वैप नंबर इफ फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकेंड। अगर पहला नंबर दूसरा से बड़ा होगा तो स्वैप करेगा, नहीं तो स्वैप नहीं होगा। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h void main, इतना सा तो सभी प्रोग्राम में होना है। अब चूंकि हमको दो नंबर चाहिए तो पहले दो वेरिएबल इंटीजर का लेते हैं इंट ए बी और एक टेम्पररी ले लेते हैं स्वैपिंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसमें मैसेज देंगे प्रिंट एफ, क्योंकि यूजर को बताना होगा कि आप दो नंबर डालिए, इसलिए इंटर टू नंबर्स यूजर को हमने मैसेज दिया। तो यूजर दो नंबर डालेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे रीड करेंगे। रीड करने के लिए फिर वही बात, दो नंबर लेना, इसलिए दो बार परसेंट डी डबल कोट्स कॉमा देन आफ्टर ए एंड देन आफ्टर एड्रेस ऑफ बी। इस तरह से हमारा ए और बी में नंबर आ गया। अब यहाँ कंडीशन है कि अगर पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे नंबर से तो क्या करना है, स्वैपिंग कराना है। तो यहाँ चेक करेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी, यहाँ इफ में कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखना है कि इफ में कभी भी सेमी कॉलन नहीं देंगे। अगर ए बड़ा होगा बी से तो स्वैपिंग होगा। स्वैपिंग का मतलब है जैसे कि दो ग्लास है हमारे पास, एक में है पानी वाटर भरा हुआ है और एक में क्या भरा हुआ है, एक मिल्क भरा हुआ है। अगर हमको आपस में स्वैप कराना है तो क्या करेंगे, खाली ग्लास लेना पड़ेगा जिसको हम लोग यहाँ टी से डिनोट किए हैं। तो पहला मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये टी है, तो क्या करेंगे फर्स्ट टाइम में ए को टी में डाल देंगे, क्योंकि इसको अगर इसमें डालते हैं तो दोनों मिक्स हो जाएगा, ब्लैंक खाली यही है। तो या तो बी को इसमें डाल दें या ए को इसमें डाल दें, तो करते हैं टी इक्वल टू ए। अब ये हमारा क्या हो गया, खाली हो गया, ये भर चुका है, तो फिर अब क्या करेंगे बी को डाल देंगे ए में, तो ए इक्वल टू बी। अब क्या हो गया, बी इधर चला गया तो ये खाली हो गया, ये भर गया, तो फिर टी को डाल देंगे इसमें, तो हो जाएगा हमारा बी इक्वल टू टी। इस तरह से स्वैपिंग हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ ए इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था स्लैश एन क्या करता है, लाइन चेंज करता है न्यू लाइन के लिए, और बी इक्वल टू परसेंट डी और वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। तो क्या होगा कि यहां हमेशा हर एक प्रोग्राम में ए का वैल्यू छोटा दिखाएगा, बी का वैल्यू बड़ा दिखाएगा। इस तरह से हम लोग जो है प्रोग्राम बना सकते हैं। इस प्रोग्राम में सिर्फ सिंपल इफ का इस्तेमाल हुआ है, इससे ज्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल इफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर चाहें तो आप लोग प्रोग्राम को वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, इसको रन करा के चेक कर सकते हैं, आराम से ये प्रोग्राम रन करेगा। अगर छोटा मोटा एरर होगा तो आपको थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि जनरली टाइपिंग मिस्टेक हो जाने के कारण स्टूडेंट्स गलती करते हैं प्रोग्राम को रन कराने में। तो इस तरह से हमारा सिंपल इफ का एक प्रोग्राम हो गया। अब हमारा जो दूसरा टाइप है इफ का, जो दूसरा तरीका है जिसमें हम लोग इफ को इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरा होता है इफ एंड इल्स। इसमें क्या होगा, एक कंडीशन से रिलेटेड दो वैल्यू होगा, सही होगा तो पहला काम, गलत होगा तो दूसरा काम होगा। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम कि इवन नंबर और ऑड नंबर किसको बोलते हैं, अगर कोई नंबर दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो इवन, नहीं होगा तो ऑड। तो यहां पर प्रोग्राम एक देखते हैं, प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज इवन और ऑड, एक नंबर हमारा इवन है या ऑड है, तो इसको इफ इल्स से बनाएंगे, क्योंकि यहां एक कंडीशन है, दो से डिवाइड होगा तो इवन, दो से डिवाइड नहीं होगा तो ऑड। तो इस तरह से यहां पर भी प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो हैश इंक्लूड stdio.h, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल void main। और बताए हैं कि कोई भी प्रोग्राम होगा बिना मेन फंक्शन के नहीं होगा, मेन में सेमीकॉलन नहीं लगता है। इसके बाद एक नंबर लेना है यहाँ यूजर से, इंट एन एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब यूजर से मांगेंगे एक नंबर आप दीजिए, तो यहां लिखेंगे मैसेज प्रिंट एफ इंटर एनी नंबर। यूजर जैसे ही कोई नंबर इनपुट देगा उसको रीड करने के लिए फिर वही स्कैनर फंक्शन परसेंट डी, और क्योंकि एक ही नंबर है एड्रेस ऑफ एन,
एक नंबर है एन परसेंट डी, चूंकि इंटीजर, अगर ये फ्लॉट टाइप होता तो परसेंट एफ लिखते, यहाँ इंटीजर टाइप है इसलिए परसेंट डी लिखे हमने रख दिया एन में। अब चेक करेंगे इफ एन मोड टू इक्वल टू जीरो, यहां डिवाइड इसलिए नहीं दिए क्योंकि सपोज कीजिए फाइव अगर नंबर है ये भी टू से डिवाइड होता है, यहां पर रिमाइंडर ये टू, ये क्वेश्चन टू आता है और यहां पर रिमाइंडर वन आता है। तो अगर रिमाइंडर हमको चेक करना है और हम लोग सी में रिमाइंडर चेक करने के लिए मोड ये परसेंट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, इसको मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं, ये हमेशा रिमाइंडर। तो जो नंबर का रिमाइंडर अगर मेरा जीरो होगा वो नंबर टू से पूरा पूरी डिवाइड होगा। तो इस केस में यहां पे ये लिखेगा प्रिंट एफ ब्रैकेट प्रिंट एफ नंबर इज इवन, ये क्लोज हो गया। अगर इफ से रिलेटेड एक स्टेटमेंट हो तो ब्रैकेट दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इफ से रिलेटेड मोर देन वन स्टेटमेंट होगा तो वह मस्ट है कि हमको ब्रैकेट देना है, और इफ में पहले ही बता चुके हैं सेमीकोलन नहीं लगता है। इसके बाद इफ से रिलेटेड दूसरा इल्स, अगर ये गलत होगा तो इवन नहीं होगा तो क्या हो सकता है वो ऑड हो सकता है, तो डायरेक्ट यहां पर प्रिंट एफ नंबर इज ऑड, ये नंबर हमारा क्या है ऑड है, ये इल्स बंद हो गया और ये मेन का एक खुला था ये मेन यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लिए प्रोग्राम लिख लिए, और इल्स में भी वही बात होगी, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होगा तो मस्ट है कि आपको ब्रैकेट देना है, अगर एक स्टेटमेंट होगा तो यहाँ ब्रैकेट दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर इसको नहीं भी देंगे तो भी हमारा इससे प्रोग्राम कुछ फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि इल्स से रिलेटेड एक ही स्टेटमेंट है, मोर देन वन स्टेटमेंट होता तो मस्ट है कि हमको ये ब्रैकेट देना ही होता, और जितना ओपन होगा वही उतना भी लास्ट में क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इफ और इल्स का जो है इस्तेमाल करते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ एक्सरसाइज मिल जाएगा, पॉज करके आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि और भी बहुत सारा प्रोग्राम इससे बनता है वो आप उसके लिए प्रैक्टिस कर लेते कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं तीसरा जो है कैटेगरी है, तीसरे जो तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है लेडर वाइज। जब हमारा यहां अभी तक तो हम लोग क्या करते हैं लेडर वाइज इफ, तो अभी तक हमारे पास एक कंडीशन था, एक कंडीशन से रिलेटेड दो आउटपुट, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो जिसमें क्या हो सकता है कि हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए आप एग्जाम देते हैं आपका ग्रेड प्रिंट होता है, तो जैसे मान के चलिए कि अगर कोई बच्चा 0 से 29 मार्क्स लाता है तो उसको ग्रेड मिलता है फेल एफ, अगर वो 30 से 49 लाता है तो उसको सी ग्रेड, अगर इसको 50 से लेकर के 69 लाता है तो बी ग्रेड, और 70 से लेकर 100 लाता है तो ए ग्रेड। इसमें मल्टीपल कंडीशंस है, मल्टीपल आउटपुट्स भी है, तो उसके उस केस में हम लोग क्या करेंगे लेडर वाइज इफ इल्स का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग अब देखते हैं लेडर वाइज का एक प्रोग्राम, देखते हैं कि हम लोग कैसे लेडर वाइज का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वही बात होगी कोई भी प्रोग्राम में, हैस इंक्लूड stdio डॉट हैस इंक्लूड stdio डॉट h void main। अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए यूजर से हमें क्या इनपुट लेना है, उसका मार्क्स लेना है या परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेना है, और ये रिजल्ट आउटपुट प्रिंट करेगा, तो इसके लिए वेरिएबल नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, और नहीं तो ले भी सकते हैं क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप है तो कैरेक्टर टाइप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट ले लेते हैं एम मार्क्स के लिए, और रिजल्ट के लिए ये हो गया एम, और ये रिजल्ट के लिए ले लेते हैं जी ग्रेड, तो ये चूंकि कैरेक्टर टाइप है तो इसका डेटा टाइप हो जाएगा कैर ग्रेड जी। अब सबसे पहले अगला जो काम होगा वो यूजर से इनपुट लेने का काम होगा। हम लोग प्रोग्राम बनाने वक्त बस सिक्वेंशियली सोचना है कि हमें क्या करना है, पहले हम लोग क्या किए सारा डिक्लेयर यहां तक तो लिखना ही है, उसके बाद पहला काम करना होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि वेरिएबल बाद में डिक्लेयर नहीं होगा, सी में मस्ट है कि वेरिएबल जस्ट मेन के बाद वहां शुरू में ही बिगनिंग में ही डिक्लेयर होना चाहिए, बाद में हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जितना भी वेरिएबल प्रोग्राम में यूज होगा वो मस्ट है कि ऊपर में डिक्लेयर होगा ही होगा। अब यूजर से हम इनपुट मांगते हैं इंटर योर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यूजर जैसे ही इनपुट देगा रीड करने के लिए हम लोग फिर वही फंक्शन स्कैन एफ परसेंट डी और इसको रख लेंगे एम में। अब हमको ये मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहला कंडीशन इफ, पहला कंडीशन है एम ग्रेटर देन जीरो एंड
मस्ट है कि m लेस देन 30 होना चाहिए। इस केस में क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड हमारा जो हो जाएगा g इक्वल टू सिंपल f। जब भी हम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो सिंगल कोट्स में होता है, अगर ये स्ट्रिंग होगा यानी एक से ज्यादा कैरेक्टर होगा तो डबल कोट्स में होगा, तो कैरेक्टर को मस्ट है कि सिंगल कोट्स में देंगे। फिर देंगे इल्स इफ, सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, 30 से बड़ा होगा और 50 से छोटा होगा, तो इसमें m ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड m लेस देन 50। एंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑपरेटर्स पिछले पार्ट वन में कि हम लोग एंड ऑपरेटर कब क्या होता है, जब मस्ट है कि दोनों ट्रू होगा यानी 30 से बड़ा होगा 50 से छोटा होगा, तो यानी इन दोनों के बीच में होगा, तो हमारा ग्रेड हो जाएगा सी ग्रेड। फिर इल्स इफ, अगर मार्क्स बड़ा होगा बराबर होगा 50 के एंड मार्क्स छोटा होगा 70 के, सेम वही सेमीकॉलन कहीं भी नहीं लगेगा, इफ और इल्स इफ में कभी भी सेमीकॉलन नहीं लगता है। जी इक्वल टू सी के बाद हमारा हो जाएगा बी ग्रेड और यहां सेमीकॉलन, यहां भी सेमीकॉलन, इसके बाद फिर लास्ट में इल्स इफ, अगर ऐसा होता है एम बड़ा होगा 70 के एंड एम छोटा होगा 100 के, छोटा होगा या बराबर भी होगा 100 के, तो जी इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए ग्रेड। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि यूजर क्या करे, वैल्यू हमारा 100 से ऊपर दे दे, तो उस केस में इन सभी के बीच में अगर वैल्यू नहीं होता है तो लास्ट में इल्स, ये ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, तो जी इक्वल टू हो जाएगा इन वैलिड के लिए हम लोग दे देते हैं आई। तो अब जो भी होगा, अब हमारा ये प्रोग्राम लगभग ये जी में कैलकुलेट हो गया, अब लास्ट में हमारा काम होगा प्रिंट करा देना, प्रिंट एफ ग्रेड इक्वल टू परसेंट सी, और हमने रखा था वैल्यू जी में, परसेंट सी मतलब इसलिए क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप का हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था कि कैरेक्टर टाइप का जो ये होता है सिंबल होता है परसेंट सी होता है, ये मेन बंद हो गया, तो परसेंट सी होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जी का वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, जो भी हमारा ग्रेड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लेटर वाइज, आप इसमें बहुत सारे जितने भी कंडीशन होंगे आप एक के बाद एक उसको अरेंज कर सकते हैं, और सिमिलर वही केस अगर इफ से रिलेटेड एक से ज्यादा स्टेटमेंट होगा तो इसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर देना मस्ट होगा, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड एक ही स्टेटमेंट है इसलिए हमने ब्रैकेट यहाँ पे नहीं दिया है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी मल्टीपल कंडीशंस और मल्टीपल आउटपुट के आधार पे हम लोग कोई भी सी का प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें आसानी से हमारा इफ एल्स जो है डिसीजन लेकर के हमारे अनुसार से वैल्यू को प्रिंट करा सकता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम लोग लेटर वाइज इफ एल्स बोलते हैं। अब हमारा जो चौथा जो कैटेगरी आ जाता है वो है नेस्टेड इफ एल्स का, यानी हम लोग अब जो देखेंगे वो है नेस्टेड चौथा। अभी तक हमने तीन देखा, इफ, इसके बाद इफ इल्स, इसके बाद लेडर वाइज, और नेक्स्ट हो जाएगा नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब है एक के अंदर दूसरा। अगर हमारा ऐसा कभी कभी होता है कि जब हमको डिसीजन लेना होगा मल्टीपल कंडीशंस पे कि अगर राम बड़ा होगा श्याम से और उसका नाम सुधीर होगा तो कुछ काम होगा, यहाँ पे दो कंडीशन, मतलब पहला कंडीशन राम बड़ा होगा श्याम से वो चेक, अगर वो सही होगा तब दूसरा कंडीशन चेक करेगा, उस केस में हम लोग नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं एक प्रोग्राम है कि तीन नंबर इनपुट लेना है प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर एमंग थ्री गिवन नंबर्स, तीन दिया हुआ नंबर उसमें से बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो इसमें क्या होगा, तीन केस बनता है, ए अगर बड़ा होगा बी से तो ये सबसे बड़ा नहीं होगा, फिर ए को बड़ा होना चाहिए सी से तब ए सबसे बड़ा होगा, ए बड़ा होगा बी से लेकिन ए बड़ा नहीं होगा सी से, इसका मतलब फिर चेक करना होगा कि बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से तब क्या होगा कि बी हमारा सब बड़ा होगा, और ये दोनों में से कोई कंडीशन नहीं होगा तब सी होगा, यानी एक के अंदर दूसरा, इस तरह के केस को हम लोग चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, फिर वही कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं इंक्लूड stdio.h, इसके बाद void main, इसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट तीन नंबर चाहिए ए बी सी, इसके बाद यूजर से इनपुट लेंगे जैसे पहले प्रोग्राम में लेते थे इंटर
थ्री नंबर्स, यूजर तीन नंबर देगा, स्कैन करेंगे स्कैन एफ, और चूंकि तीन वेरिएबल है इसलिए तीन बार परसेंट डी पहले नंबर को लेकर रख लेंगे एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट बी कॉमा एम परसेंट सी, तीनों नंबर का इनपुट हो चुका है। अब चेक करेंगे इफ ए बड़ा होगा बी से, इसका मतलब ये नहीं कि ए सबसे बड़ा हो गया, फिर हमको चेक करना होगा इफ ए बड़ा होगा सी से, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, इसका मतलब सबसे बड़ा सी है। प्रिंट एफ थर्ड नंबर ही सॉरी फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, ए बड़ा है यानी ए इज ग्रेटर, लेकिन ए बड़ा है बी से लेकिन ए बड़ा नहीं है सी से, यानी सी बड़ा है ए से, इसका मतलब बी तो पहले ही बाहर हो चुका है वो बड़ा नहीं है, तो या तो ए बड़ा होगा या सी बड़ा होगा, लेकिन ये अगर स्टेटमेंट गलत है तो इल्स यानी इसका मतलब है सी बड़ा होगा। प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर, ये इल्स बंद और ये वाला इफ बंद। अब इस इफ का अब फिर क्या होगा, इल्स सेक्शन होगा, इल्स यानी क्या होगा अगर ए बड़ा नहीं होगा बी से, तो तीन नंबर है ए बी सी, तीनों में कंपटीशन है कौन बड़ा है, ए बड़ा नहीं है बी से यानी बी बड़ा है, तो ए तो पहले बाहर हो गया। अब हमको यह चेक करना है कि बी बड़ा है या सी बड़ा है, तो फिर चेक करेंगे इफ अगर बी बड़ा है सी से और ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इसका मतलब हमारा सबसे बड़ा होगा प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर, और ऐसा नहीं होगा बी नहीं होगा तो इसका मतलब सी होगा, तो इल्स प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर। ये सॉरी इल्स का अगर यहां खोलते हैं ये क्लोज हो जाएगा, और ये इल्स का यहां क्लोज हो गया, और फिर मेन जो ये था इस यहां पे क्लोज हो गया। तो जितने बार ओपन करेंगे बताए थे उतने बार मैच करके उसको क्लोज भी करना है, नहीं तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो इस तरह से हो सकता है, आपके पास जितना कंडीशन है उतने कंडीशन को इफ के अंदर इफ इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग नेस्टेड इफ बोलते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी इफ और इफ से रिलेटेड प्रोग्राम्स है हमने एक्सरसाइज के साथ साथ हमने लास्ट में दे दिया, वीडियो के लास्ट में जो है आप एक्सरसाइज को पॉज करके वीडियो पे एक्सरसाइज को नोट कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रोग्राम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, और ये सिर्फ सी में नहीं काम आएगा, यही सब प्रोग्राम आपको जावा में पढ़ना है, जावा स्क्रिप्ट में पढ़ना है, एसक्यूएल में पढ़ना है, सी प्लस प्लस में पढ़ना है, सभी चीज में पढ़ना है, इसलिए अभी प्रैक्टिस हो जाएगा तो बाद में बनाने में प्रोग्राम दिक्कत नहीं होगी।